विश्व हेपेटाइटिस दिवस के कार्यक्रम में, प्राइड द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में राज्यसभा के उपसभापति माननीय हरिवंश जी, देश के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, केमिकल फर्टिलाइजर मंत्रालय के मंत्री श्री मनसुख लाल मांडिया जी, पहले खेल अब देश को कानून के माध्यम से न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध किरण जी, नोबेल पुरस्कार विजेता जी जो हमसे जुड़े थे माइकल हाटन जी, हमारे महासचिव उत्पल कुमार सिंह जी, आईएलबीएस के निदेशक डॉक्टर एस के सरीन जी, आज यहां पधारे सभी माननीय मंत्रीगण, लोकसभा राज्यसभा के सभी माननीय सांसदगण, आज हम विश्व हेपेटाइट दिवस के रूप में एक संकल्प के साथ कि इस देश के अंदर हमें हेपेटाइटिस वायरल को समाप्त करना है, इस संकल्प के साथ यहां पर आए। हम सब जानते हैं कि लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसका ख्याल रखना, सुरक्षित रखना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। और लीवर को स्वस्थ रखने के लिए व्यापक रूप से जन जागरूकता ही सर्वोत्तम प्रभावी उपाय है, क्योंकि लीवर को हेपेटाइटिस एवं गंभीर बीमारियों से हम सुरक्षित नहीं रख सकेंगे तो आने वाले समय में एक व्यापक संकट हमारे स्वास्थ्य पर आएगा। और इसीलिए मुझे डॉक्टर सरीन साहब कई बार चर्चा करते रहते हैं कि हेपेटाइटिस बीमारी के बारे में अज्ञानता का अनुभव होता है, प्रारंभिक रूप के इसकी लक्षण की जानकारी भी नहीं मिलती, और इसके लक्षण की जब जानकारी मिलती है तो बहुत देरी हो जाती है, और जिसके कारण अपने स्वास्थ्य पर एक गंभीर संकट हो जाता है। और इसीलिए आज का विषय हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट, हमें इस बीमारी के निवारण के लिए तत्काल उपाय करना है, जन जागरूकता लानी है, सजगता और सतर्कता बरतनी है, और इसके लिए हमारे प्रयास सबसे आवश्यक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 2030 तक विश्व में हेपेटाइटिस वायरल को समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा है। भारत ने भी 2030 तक हेपेटाइटिस बी वायरल को समाप्त करने के लक्ष्य की ओर काम कर रही है। हम जानते हैं कि पूरे विश्व के अंदर जितने हेपेटाइटिस बी और सी के लोग हैं उसमें 11% भारत में है। भारत की एक विशाल जनसंख्या, गांव ढाणी तक अभी भी सुदूर गांवों के अंदर पीने के पानी की समस्या है, स्वच्छ गांव हो इसका अभाव है। ये बात सही है, एक व्यापक जागरूकता सरकार ने प्रयास किया है,
कि देश के हर गांव में हर व्यक्ति को शुद्ध पीने का पानी मिले, स्वच्छता उसके जीवन का अभिन्न अंग बने। लेकिन अभी हमने कोरोना महामारी के संकट के दौर से हम गुजरे हैं और इस कोरोना महामारी के संकट में जिस तरीके से समाज में जागरूकता का अभियान आया, लोगों ने सजगता सतर्कता बरती, जिसके कारण हम काफी हद तक कोरोना महामारी को रोकने में कामयाब हुए। और यही सतर्कता अगर हम ऐसी बीमारियों को रोकने के लिए प्रयास करेंगे तो जो 4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस बी के हैं, सी के हैं और लाखों जिंदगियां इससे बस्ती नहीं है, उनको हम बचाने में कामयाब होंगे। इसलिए व्यापक सूचना तंत्र को विकसित करना, यह सरकार के प्रयासों से नहीं हो सकता। कोरोना के अंदर भी समाज में जिस तरीके की जागरूकता आई, दूर दराज के गांवों ने भी अपने अपने गांवों में स्वास्थ्य की दृष्टि से लोग सब सुरक्षित रहें, कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रहें। मैंने देखा दूर दराज के गांव में भी लोग मास्क और सामाजिक दूरी की पालना करने के लिए कटिबद्ध हुए। ये प्रयास समाज में हमें हर गंभीर बीमारी के लिए करने की आवश्यकता है और ये जिम्मेदारी है हमारे जनप्रतिनिधि की। जनप्रति एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था है, लाखों लोगों का रिप्रेजेंट करता है। जनता उनको चुनकर भेजती है विश्वास भरोसे के साथ कि देश के अंदर जो भी समस्याएं होंगी, अभाव होंगे, उसके लिए मेरा रिप्रेजेंटेटिव, मेरा प्रतिनिधि चिंता करेगा। और इसीलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम 2030 तक इस लक्ष्य को पूरा करने में हमारी जितने भी लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे वो पंच हो, सरपंच हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, कोऑपरेटिव सेक्टर की हो, विधानसभाएं हो, इन सारी संस्थाएं, लोकतांत्रिक संस्थाएं सामूहिक मिलकर अगर प्रयास करेगी तो हम हेपेटाइटिस बी और सी को रोकने में कामयाब होंगे। क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में संसद सर्वोच्च संस्था है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। इसलिए हमारी और जिम्मेदारी बन जाती है कि देश में ऐसी जितनी भी गंभीर बीमारियां हैं उसके बारे में हमारे सभी माननीय सांसद जानकारी रखें, क्या क्या उस बीमारी के रोकने के उपाय हो सकते हैं उसके बारे में जानकारी रखें, क्या क्या उस बीमारी के लक्षण हैं, किस तरीके से ये बीमारी आती है उसके बारे में जानकारी रखें। मैं चिकित्सा मंत्री जी यहां बैठे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि विश्व के अंदर जितनी भी ऐसी गंभीर बीमारियां हैं उसको रोकने के लिए जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए जितने भी दुनिया के एक्सपर्ट हैं, भारत में एक्सपर्ट डॉक्टर हैं, उनके साथ लगातार संवाद होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, सभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद सभी चुनी संस्थाओं के लोगों को जानकारी होनी चाहिए। हम स्वास्थ्य की दृष्टि से हर व्यक्ति को सुरक्षित रखें, यह हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए और इस काम को हमें लक्ष्य बनाकर चलना चाहिए। क्योंकि समाज में नेतृत्व करने की जिम्मेदारी रिप्रेजेंटेटिव जनता के, जनप्रतिनिधि की होती है। अगर उनके पास ही जानकारी का अभाव रहेगा तो वह अपनी जनता को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे। और इसलिए मुझे पता है कि कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कोरोना के समय
जिस तरीके के काम किए उन्होंने अपने अपने कामों का विवरण लोकसभा में दिया, मुझे लगा कि कितने व्यापक प्रयास किए समाज के सभी लोगों के साथ लेकर, सभी संस्थाओं को साथ लेकर उन्होंने लगातार कोरोना में जागरूकता के साथ साथ जो कोरोना संक्रमण के उपाय रोकने के उपाय उस पर भी चर्चा की और उनके अभाव परेशानियां दिक्कतों को दूर करने के लिए भी समाज को जागृत कर प्रेरणा देने का काम किया। और यही कारण है कि आज हम देश के अंदर कितनी भी गंभीर बीमारी कितनी भी संकट हो हमारे सामूहिक प्रयासों से मुकाबला करने की शक्ति भारत में है। क्योंकि हम भी चिंतित थे कि विकसित जैसे देशों के अंदर जो कोरोना की हालात हुई, हमारे इतना बड़ा देश इतनी बड़ी जनसंख्या और विकसित देशों के मुकाबले में हमारा चिकित्सा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमजोर, यह हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति का ही परिचय था कि हमने इस संक्रमण को रोकने में काफी कामयाब हुए। लेकिन अभी यह संक्रमण समाप्त नहीं हुआ, इसलिए इसके लिए लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं डॉक्टर सरीन को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि हर बार जब मैं स्पीकर बना तो उन्होंने, मैं डॉक्टर सरीन को बहुत वर्षों से जानता हूं कि मेरी शायद में लीवर के अंदर एक अथॉरिटी है इस देश नहीं इस पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे यहां भी कभी कोई लीवर पेशेंट आता था तो कहता था मैं आईएलबीएस डॉक्टर सरीन से टाइम लेना है, इसलिए मुझे जानकारी थी कि डॉक्टर सरीन कितने इसमें विशेषज्ञ हैं और कितनी उनकी प्रतिष्ठा है। जब उन्होंने आया कि इस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए, मैंने कहा कि हम सब प्रयास करेंगे और आप आज जब आज नीचे जाएंगे तो आप अपने फैटी लिवर को जब चेक कराएंगे तो उसमें से 40% लोगों के फैटी लिवर निकलेगा और वो आपको तनाव में डालेगा और उस तनाव को जब आप तनाव में आओगे तो अपने शरीर को भी स्वस्थ रखोगे और औरों को स्वस्थ रखने के लिए भी अभियान चलाएंगे। हम फिर कोशिश करेंगे डॉक्टर सरीन से अन्य संस्थाओं से कि ऐसी गंभीर बीमारियां लीवर जैसी बीमारियों के लिए गांव तहसील पंचायत नगर पालिका तक लोगों के व्यापक जानकारी के लिए व्यापक अभियान चलाएं और ऐसी कई व्हीकल्स ऑन व्हीकल्स गाड़ियां होगी जो गांव गांव में जाएगी लोगों की चेक करेगी। क्योंकि मैंने भी चेक कराया तो मेरे को भी चेक कराने के बाद डॉक्टर साहब ने टेंशन में डाल दिया और मेरी पत्नी भी डॉक्टर वो यहां बैठी है, शायद मैं चेक नहीं कराता तो मैं इतने तनाव में नहीं आता, अपने शरीर पर इतना ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन निश्चित रूप से हम भी स्वस्थ रहें, हमारी जनता भी स्वस्थ रहे, यही हमारी जिम्मेदारी है, यही हमारा संकल्प है और यही जनप्रतिनिधि का दायित्व बनता है। मुझे आशा है कि आज के दिन हम इसी संकल्प को लेकर जाएंगे कि 2030 तक इंतजार नहीं करेंगे, हम इसको 2030 के पहले भारत से हेपेटाइटिस बी को समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा करेंगे और हर गंभीर बीमारी के लिए हम हमारे क्षेत्र की जनता को उस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखेंगे। इस संकल्प के साथ मैं इसके लिए सहयोग करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं, सभी हितधारकों को भी धन्यवाद देता हूं जो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मुझे आशा है कि हम इस संकल्प को पूरा करेंगे और मेरा आग्रह है कि आज यहां काफी बड़ी संख्या में मंत्रीगण भी आए हैं, मैं सभी से आग्रह करूंगा कि सभी माननीय सदस्य अपने अपने लीवर को टेस्ट जरूर कराएं, अपने साथियों को कहें 3 दिन अभी लगाया कैंप, 3 दिन और लगा देंगे, यहां पर चर्चा हो संसद में जाकर चेक कराएं और फिर शायद मुझे व्यक्ति से जानकारी देना कि कितने लोगों के फैटी लीवर निकला है। उसके बाद फिर एक कैंप लगाएंगे डॉक्टर साहब का, उस कैंप में इसके लिए क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या खान पीन का ध्यान रखना है, कैसे अपने फैटी लीवर को कम करना है, इसके लिए डॉक्टर साहब का कैंप लगाएंगे ताकि
हम स्वस्थ रख सकेंगे और हमें जानकारी होगी तो हम हमारी जनता को भी जानकारी दे पाएंगे। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक संकल्प डॉक्टर साहब ने आज लिया है, मैं सभी से आग्रह करूंगा ये संकल्प हम लेंगे। मैं संकल्प लेता हूं कि अपना नाम अपने यकृत लीवर को स्वस्थ रखूंगा, अपनी ओर से अपने परिवार की हेपेटाइटिस जांच और टीकाकरण कराऊंगा। हेपेटाइटिस बी एवं सी के संबंध में अपने साथियों के साथ चर्चा करूंगा। हेपेटाइटिस बी एवं सी के बारे में 10 व्यक्तियों को नहीं मेरी जनता को शिक्षित करूंगा, इसका प्रयास करूंगा। हेपेटाइटिस बी एवं सी के संक्रमित व्यक्तियों के साथ भेदभाव नहीं करूंगा। हेपेटाइटिस बी एवं सी के विरुद्ध लोगों को सशक्त बनाने में योगदान करूंगा। मैं मेरे क्षेत्र की जनता को हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में जनजागरण करूंगा और उसकी जानकारी दूंगा। धन्यवाद।